दोस्तों आपने Vivo V30 Pro की हर तरफ तारीफें सुनी होगी कि इसका कैमरा ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर दोस्तों हमने इसको 20 से 21 दिन यूज किया है कंटिन्यूसली, तो हमने ना इसके अंदर कुछ कमियां देखी है और कुछ खूबियां भी है जिसके लिए आपको इसको परचेज करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम यही क्लियर करेंगे कि अगर आप V30 Pro को खरीदने वाले हो तो इसके अंदर क्या खासियत है, यानी कि किस चीज के लिए आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस है 41,999 रुपए। तो हम आपको ये बताएंगे कि क्या 42,000 रुपए इसके मतलब सही है या फिर इसकी प्राइस कम हो सकती थी, पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो ना तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसके डिजाइन को देखें ना तो यार मैं इससे थोड़ा निराश हूँ, क्योंकि V30 है उसके अंदर भी ये सेम कलर है और V30 Pro के अंदर भी ये सेम कलर है। तो मेरे हिसाब से यार हम इतने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं Vivo V30 Pro के, तो इसके अंदर यार एक कलर अलग देना चाहिए जो कि V30 के अंदर ना हो, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है हम इसको जब भी ऐसे बाहर लेके रखेंगे तो सबको ऐसा ही लगेगा कि Vivo V30 ही है। बस दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि इसके अंदर आपको ज़ाइस का यहाँ पे लोगो शो होता है और उसके अंदर आपको OIS का लोगो शो होता है, और दिखने के अंदर दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। और ये ब्लैक कलर के अंदर और मिल जाएगा जो कि मैट फिनिश है, वो भी कलर काफी प्रीमियम लगता है। अगर आप उसकी तरफ जाओ, आपका मतलब ब्लैक लवर हो तो उसकी तरफ भी जा सकते हो। और Vivo की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि इसके अंदर ना आपको चार्जर वगैरह साथ में मिल जाता है, कवर भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे 80 वोल्ट का चार्जर है, तो चार्जर थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था, पर जो Vivo V29 Pro था उससे एक अपग्रेड ये हुआ है कि उसके अंदर आपको 4600mAh ही बैटरी मिलती थी, जबकि इसके अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। और ये पहला स्मार्टफोन है जो 5000mAh की बैटरी होने के बाद भी इतना ज्यादा स्लिम है। तो यार आप हाथ वगैरह के अंदर ऐसे पकड़ के रखोगे ना तो काफी मतलब अच्छा फील होता है, यहाँ पे ग्रिप अच्छी बनती है और काफी हल्का भी महसूस होता है। और पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, नीचे की साइड में देखोगे ना आपको स्पीकर मिलते हैं। फिर से यहाँ पे Vivo की एक बड़ी कमी है, 42,000 रुपए लेकर भी आपको ना यहाँ पे सिंगल स्पीकर ही मिलने वाले हैं। नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक के नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है। इसके अंदर आप दो सिम कार्ड तो डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं डाल पाओगे। लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है। ऊपर की साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन का माइक ही मिलता है, तो इसके अंदर कोई IR ब्लास्टर वगैरह भी नहीं है और सेकेंडरी स्पीकर वगैरह भी नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस के अंदर मिलने चाहिए थे। क्योंकि दोस्तों आप किसी की भी वीडियो देखोगे तो वो ये आपको जरूर कहेंगे कि इसके अंदर सेकेंडरी स्पीकर नहीं है, पर वो ये नहीं कहते कि इसके अंदर क्यों नहीं है, मिलने चाहिए थे या नहीं मिलने चाहिए। तो मैं कहता हूं दोस्तों इस प्राइस के अंदर तो यार मिलने ही चाहिए थे। तो अगर आपको डिजाइन के लिए ये स्मार्टफोन लेना है ना तो मैं ये कह सकता हूं कि आप Vivo V30 की तरफ जा सकते हो, जो आपको ना 30,000 तक आराम से मिल जाता है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिजाइन मेन टारगेट है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में कि क्या डिस्प्ले दोनों के अंदर सेम है या फिर इसके अंदर डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा अच्छी है। तो इसके अंदर ना 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस 1.5K रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है और 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है और 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि धूप वगैरह के अंदर चलाओगे तो भाई साहब काफी ज्यादा ब्राइट रहने वाली है आपकी डिस्प्ले। और V30 के अंदर देखोगे ना उसके अंदर भी सेम यही डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर दोनों के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका मेन टारगेट डिस्प्ले यानी कि आप ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो तो भी आप Vivo V30 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोनों में डिस्प्ले में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यार दोस्तों आपने देखा कि यहां तक तो सब कुछ यहाँ पे सेम ही मिल रहा है, तो चलिए बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में कि क्या प्रोसेसर भी सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है। तो इसके अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर जो कि 4nm पर बेस्ड है। अगर एंटूटू स्कोर वगैरह देखोगे 10 लाख के पास में आपको एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो V29 Pro था उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेसर मिलता था, यानी कि प्रोसेसर के अंदर कोई भी अपग्रेड नहीं किया है Vivo V30 Pro के अंदर। अगर आप BGMI वगैरह खेलना चाहते हो तो इसके अंदर आप स्मूथ एंड एक्सट्रीम पर खेल सकते हो, 90fps वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ हमने BGMI वगैरह खेल के देखा है दोस्तों, यहाँ पे ना इसके अंदर काफी ज्यादा स्मूथ चलता है, हीटिंग वगैरह का ज्यादा इश्यू नहीं मिलता है। पर अगर आपका मेन टारगेट गेमिंग है यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ही स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो Vivo आपको पता होगा ज्यादा गेमिंग को टारगेट नहीं करता है। हाँ कभी कभार गेमिंग वगैरह करते हो तो इसके अंदर अच्छी खासी कर सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ना यार मतलब V29 Pro से यहाँ पे थोड़ा तो अपग्रेड करना ही चाहिए था, थोड़ा तो प्रोसेसर को चेंज करना ही चाहिए था, क्योंकि जो उसके अंदर प्रोसेसर लगाया वो इसके अंदर भी लगा दिया,
तो मतलब पैसे बच चुके हैं यहाँ पे, नया प्रोसेसर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी वीवो को। तो प्रोसेसर के अंदर तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे अगर आप कभी कभार गेमिंग वगैरह करते हो तो कर सकते हो, क्योंकि सभी गेमर्स नहीं होते, बहुत कम लोग हैं जो गेमिंग करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस कहाँ है, तो जो एक्चुअल मतलब मेन डिफरेंस है वो है इसके कैमरा के अंदर। इसके अंदर पीछे आप देखोगे ना तीन कैमराज है, तीनों ही कैमरा आपको 50-50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, क्योंकि जो मेन कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल, और यहाँ पे 2x पोर्ट्रेट का कैमरा मिलता है वो भी 50 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड का कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, और जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है। और ये जो ओरल लाइट है इसको थोड़ा सा चेंज किया है पिछली बार से, पिछली बार यहाँ पे राउंडेड शेप के अंदर थी, अब की बार यहाँ पे स्क्वायर शेप के अंदर है। तो ये वीवो की मुझे अच्छी चीज लगी कि इसके अंदर ना कोई भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, मतलब जितने भी कैमरा जिसके अंदर है वो सभी काम के कैमराज है। तो इससे हमने काफी सारी फोटोज क्लिक की है जो कि आप देख सकते हो, फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती है, चाहे पोर्ट्रेट के अंदर देखो, चाहे आप लो लाइट के अंदर मतलब इस ओरा लाइट को ऑन करके देखोगे, सेल्फी वगैरह काफी अच्छी फोटोज निकल कर आती है। और अगर दोस्तों आपको ना एक अलग से कैमरा की वीडियो चाहिए, मतलब कैमरा के बारे में डिटेल में जानना है इस मोबाइल का, तो हमने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर मतलब छोटी से छोटी डिटेल कैमरा के बारे में देख सकते हो। और हमने इसका मतलब जहां तक कैमरा टेस्ट किया दोस्तों, मुझे इसका कैमरा सच में बहुत ज्यादा पसंद आया है। दोस्तों वीवो ने ना यार एक बहुत ही बड़ा धोखा कर लिया हमसे, यहाँ पे एक नया अपडेट आया था जिसके अंदर लिखा गया था कि वीडियोज वगैरह के अंदर यहाँ पे शेकिंग का इश्यू है, यानी कि काफी ज्यादा हिलता है, तो इनको सही किया जाएगा इस अपडेट के कारण। जैसे ही हमने इसको अपडेट किया दोस्तों, यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर 4x का जूम मिलता था, ऑप्टिकल जूम, जो कि दोस्तों अब हटा दिया गया, यानी कि अब पोर्ट्रेट के अंदर हम 1x और 2x इनके अंदर ही जूम कर सकते हैं, 4x के अंदर जूम नहीं कर सकते, जिसके अंदर काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती थी, हमने पहले कैमरा टेस्ट के अंदर यहाँ पे काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक करके भी देखी थी। तो अगर आपका मेन टारगेट कैमरा या अच्छी खासी फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हो पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, तो यार आपको ना फोटोग्राफी के अंदर कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, अच्छी खासी आप फोटोग्राफी इसके अंदर कर सकते हो। यानी कि अगर बात करें 40,000 रुपए के अंदर एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए हो सकता है। और जो बाकी की चीजें हैं वो दोस्तों इसके अंदर मतलब इतनी खास नहीं है, वो आपको दूसरी ब्रांड के अंदर इससे मतलब कई गुना ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर मतलब जो मेन हाईलाइट चीज है जो हम 40,000 रुपए इसके दे रहे हैं वो कैमरा के ही है, और इसका जो बेस वेरिएंट है वो 8256 के अंदर है, जिसकी प्राइस मैंने आपको बताया कि 42,000 रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब भी स्मार्टफोन खरीदो मतलब वीवो की स्पेशली, क्योंकि ये वीवो वी सीरीज ऑफलाइन को ज्यादा टारगेट करता है, तो यहाँ पे अभी ऑनलाइन यहाँ पे देखोगे 3,500 तक का डिस्काउंट मिल जाता है, पर अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो हो सकता है आपको ना इसके अंदर और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर आप जब भी वी सीरीज खरीदो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ऑफलाइन शॉप के अंदर वहां से खरीदना, आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यार दोस्तों हमने जो इसके अंदर देखा वो हमने आपको बता दिया है, मतलब अगर अभी भी आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो मैं सिर्फ मतलब सिंपल भाषा में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कैमरा के लिए अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, और दोस्तों प्रोसेसर, बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले वगैरह वो आपको दूसरी ब्रांड के अंदर इससे कम पैसों के अंदर भी मिल जाएंगे। तो यार आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने V30 खरीदा है या फिर V30 Pro खरीदा है, कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यार अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो जो आए ना उसको आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।